मुझे ऐसा लग रहा है गाड़ी एकदम मस्त हो गई अब। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप यू ऑल आर ऑल्सो एक्साइटेड टू सी दिस। सो लेट्स सी दिस। सो बहुत दिनों के बाद मतलब मुझे मौका मिला यार व्लॉग करने का। बहुत ही बुरी हालत हो गई, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है। मतलब इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि ना खाना खाने का टाइम है और ना ही मतलब ये सब करने का टाइम है। बट एनीवेज अभी इसको टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। टुडे इज लाइक सैटरडे, अ वीकेंड है। आई माय रियल ब्रदर इज कमिंग टू मीट मी 5-10 मिनट के बाद। ही विल बी हियर एंड देन वी विल हैव फन। भाई मैं देखते हैं ना, मैंने बोला था कि फ्रिज में कुछ नहीं कुछ नहीं है इसमें, और इसमें भी कुछ नहीं है। हे रॉकियंस, व्हाट्स अप, हाउ यू ऑल, आई होप यू ऑल आर हैविंग फन। आई एम सॉरी यार, मतलब बहुत टाइम के बाद में ब्लॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई हैव टोल्ड यू, मतलब मैं भाई का इंतजार कर रहा हूँ, भाई आएगा ना देन विल हैव सम गुड डिस्कशन। और बाकी पुष्पा वुष्पा तो मैं पता है कि सब खाना वाना सब बना रही है, और मी तो कुछ अरेंजमेंट करने में लगी हुई है। बाकी मॉम हमारी जो है, मॉम कहाँ है, मॉम कहाँ है? So guys, I'm here, I'm your friend. तो देखो बहुत सारे सब लोग आ गए। लो जी नींबू पानी पियो फटाफट, आपका स्वागत है। शानदार नींबू पानी से अभी नींबू पानी से स्वागत कर पा रहे हो कि मतलब मौका है नहीं हमारे पास, क्योंकि आज है शनिवार और शनिवार को हम लोग सिर्फ नींबू पानी पीते हैं। ये इशारा हो गया, ये कौन सा अकलमंद को इशारा काफी है। क्या चाहिए तुझे? सोमरस। तो यार फाइनली हम लोगों का खाना वाना हो गया, और मतलब मम्मी भी शायद अब सोने चले जाएंगे, और ये लोग मतलब उन्हीं कुछ बगैती टाइप कर रहे हैं। जो है ना कल जो है आपको बड़ी खास चीज़ दिखाने वाले हैं। आनंद की गाड़ी में ना कुछ स्पेशल काम होने वाला है, और वो हम करेंगे सुबह उठ के। वी हैव टू गो समवेयर, मैं आपको अपडेट करूँगा, अपने साथ लेके चलूँगा। तो यार अभी सोने चलते हैं और मिलते हैं आपसे कल सुबह। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। रात को हम इतना कुछ खा के सो गए ना कि उसके बाद हमें मतलब इतनी शानदार नींद आई कि अब सीधा सुबह ही आँख खुली है, और अभी आँख खुलने के बाद प्रोग्राम शुरू हो गया है। मतलब मुझे चाहिए कॉफ़ी, तो सबसे पहले कॉफ़ी बनाएंगे, और उसके बाद आप स्कॉर्पियो देख रहे हो ना, ये स्कॉर्पियो तो स्कॉर्पियो मेरी है, और इसके अंदर लगे हुए हैं थार के टायर्स, राइट? आप सबको पता है कि थार के टायर्स लगे हैं। अभी मैं कुछ प्लान कर रहा था कि थार के टायर्स को ना चेंज करा देंगे, आई गेट समथिंग न्यू, और ये टायर्स जो मैं अपने भाई को दे दूँगा, राइट? बट अभी मेरे अपने अलॉय व्हील्स का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, तो आज हम जाएंगे आनंद की स्कॉर्पियो लेके, उसकी स्कॉर्पियो में थार के व्हील डलवाने हैं और कुछ इंटीरियर कुछ काम कराना है। सो वो काम करेंगे, लेकिन अभी ना दिन की शुरुआत करते हैं कॉफ़ी के साथ, क्योंकि कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी नहीं मिलेगी संडे को तो फिर आप सबको पता है ना, मतलब कॉफ़ी तो मेरी जान है। तो पहले कॉफ़ी बनाते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से ये काम करने के लिए। कॉफ़ी को डाल लिया इसमें, ज़रा फेट के ना एक शानदार ज़रा रगड़ा कॉफ़ी मम्मी के लिए बनाते हैं। आवाज़ आ रही है ना, इसको बोलते हैं कॉफ़ी को फेटना, और ये फेटी हुई कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे। मैं वो डायरेक्ट दूध में डाल के उबाल के जो कॉफ़ी बनाते हैं ना, दैट इज़ लाइक फेक कॉफ़ी, आई डोंट लाइक दैट। सो मतलब मुझे 15 मिनट लगते हैं इसको करने में, और इसका टेस्ट जो आता है ना बहुत शानदार आता है, और इसको ऑथेंटिकेट करता है पता है कौन? कैसी बनती है कॉफ़ी मेरी, ये बताओ। बहुत एक्सेलेंट, फटाफट से बताओ, एक्सेलेंट, थोड़ी और तारीफ करो। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, स्वाद, नींद खुल जाए, चुस्ती आ जाए। तो यार हमने मतलब ब्रेकफास्ट वेकफास्ट सब हो गया, और सबसे ज़रूरी काम निपटाना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, और इतनी गर्मी में बहुत ज़्यादा देर बाहर रहना इज़ लाइक थोड़ा सा टफ है, बट ठीक है, मैनेज करना है यार। ब्लॉग करने का एक ही दिन मिलता है, तो डेफिनेटली आप लोगों से बात करना तो बनता ही है, वो तो हो गई। और अभी जो है मैंने आनंद को बोला अपनी स्कॉर्पियो लेके आएगा, एंड देन आई विल शो यू कि हम उसमें क्या चेंज करने वाले हैं। आई थिंक स्कॉर्पियो आ भी गई है। हाँ, इसको ऐसे ले जा और पीछे ले जा, पूरा काट ले। ये मैं दोनों स्कॉर्पियो एक साथ लगवा रहा हूँ, सो दैट मतलब कुछ आइडिया दे पाऊंगा ना हमको कि इसमें क्या कैसा है और हम क्या चेंज करने वाले हैं। तो यार ऐसा है कुछ सीन, मतलब अभी आप गाड़ी की साफ सफाई में मत जाना, क्योंकि संडे है ना, संडे को यहाँ गाड़ियाँ साफ होती नहीं है, बट हाँ इसमें अलॉयज लगे हैं अभी कुछ ऐसे, ये ना, तो ये हैं 17-inch अलॉयज, और आपको मेरी गाड़ी का तो पता ही है, मतलब इसके अंदर हमने लगाए हैं थार के अलॉयज। तो थार वाले अलॉयज कुछ ऐसा दिखते हैं, 18 inches हैं, काफ़ी स्टर्डी हैं, कंपनी का ओरिजिनल स्टॉक प्रोडक्ट है, तो इसका तो खैर कोई तोड़ नहीं है, आफ्टर मार्केट नहीं है ये व्हील्स, और ऐसे कुछ इंस्टॉल कराना है सो दैट एक ना कॉन्फिडेंस बना रहता है गाड़ी में। एंड कुछ जैसे मेरे यहाँ, यार मैं चाबी लाना भूल गया हूँ, तो मेरे यहाँ ब्लैक सीट्स है ना, इसकी सीट्स जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लाइक इट मच। ये क्या खुल गया ना, ये जो ऑरेंजिश कलर है ना यार, इसको हम थोड़ा चेंज कराने वाले हैं, और बाकी वैसे ठीक है, मतलब एज सच ठीक है इसके अलावा, लेकिन जो ऑरेंज कलर है ना, विल गेट इट चेंज टू ब्लैक, तो इसको प्योर ब्लैक कर देंगे, और थार के व्हील्स डलवाएंगे। सो दीज आर दी टू मॉड्स जो हम करने वाले हैं, बाकी ओवरऑल लुक एंड फील तो खैर गाड़ी की सेम ही है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो एक काम करते हैं फिर, ऐसा बनाएंगे इसको ना, तो लेट्स गो।
वसीम भाई। सो मिलिए वसीम भाई से। अब ये वसीम भाई जो है ये जामा मस्जिद पे टायर हो गिना बेताज बादशाह है। अब इनका कहना ऐसा है कि रॉकी भाई आपके व्लॉग्स देख के बहुत सारे लोग आए जिन्होंने स्कॉर्पियो पे थार के अलॉयज जो है फिट करवाए हैं, तो देखते हैं वसीम भाई हमारा रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यार हम आ गए वसीम भाई के पास और यहीं से लेते हैं अपने अपने टायर्स और इस वाली गाड़ी में ना यही टायर लगने वाले। कहाँ है, कहाँ है, दिखने वाले। चलो वसीम भाई ने मेरे ख्याल से ना माल हमारा तैयार करके रखा हुआ है। बहुत सारे ऑप्शन है, ये फॉर्च्यूनर का व्हील है और ये तो जगुआर लग रहा है मुझे, आई डोंट नो व्हाई। ये फोर्ड का है और ये भी फॉर्च्यूनर का, ये 4x2 का व्हील है एंड दिस वन इज लुकिंग कूल। अगर मेरे वरना वाले भाई को या होंडा सिटी वाले भाई को लगाना नहीं लगा सकता, 4 पेंच वाला है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली गाड़ी में थार वाली व्हील लगाना। तो यही हमारा मेन पर्पस है, ये हो जाएगा। और ये जगह दिखाऊँ कौन सी है, ये जगह है शानदार जाम मस्जिद के बिल्कुल सामने वाली शॉप है और मौसम भी यार मतलब बहुत बढ़िया हो रहा है। ये अच्छी बात है, मतलब वी आर वेरी लकी। मैं जब सुबह निकला था तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है और मौसम पता नहीं कैसा होगा, बट दिस इज़ गुड। ये मौसम अच्छा है, माहौल भी अच्छा है और बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि व्हील लग जाए। थोड़ा आपको दिखाऊंगा जब लगना शुरू होगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा फाइनल लुक कि कैसा आ गया है और कैसी लग रही है हमारी ये वाली स्कॉर्पियो। तो यार हमारा मतलब व्हील वाला काम सारा खत्म हो गया है, लेकिन मैं ये ना लुक कैसी है ये आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा किसी शांत जगह जाके जब हम घर पहुंच जाएंगे ना, देन आई विल शो यू कि इसकी ओवरऑल लुक और फील कैसे आ रही है। अभी चलते हैं यहाँ से करोल बाग और करोल बाग में डलवाएंगे हम सीट कवर्स। तो पहले वसीम भाई को थैंक्स करते हैं, यहाँ से निकलते हैं तो मिलते हैं आपसे करोल बाग में। ठीक है वसीम भाई, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया। और एक बार भाई लोग को दोबारा एड्रेस बता दो यार ताकि सब लोग आ पाए यहाँ पे। जामा मस्जिद गेट नंबर 1 ये 917 मोटर मार्केट 46 9560 6465 77। और अगर आपको फ़ोन नंबर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, ये रहे इनका फ़ोन नंबर, आप आ सकते हो। बहुत सारे स्कॉर्पियो ओनर्स ने ना थार के व्हील्स लगवाए हैं और बहुत सारे व्हील्स के ऑप्शन है, यहाँ पे आओ और थोड़ा लगा के जाओ, रेट आपको ऐसे मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा वो रेट। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अभी मैंने व्हील दिखाए नहीं है, दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, तब आपसे फाइनल रिव्यू लेंगे कैसा लगा। बिल्कुल अचानक ना जिंदगी थम सी गई है, मतलब अगर आप करोल बाग आओ और आपको भीड़ ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। और ये बहुत पतली गलियां हैं यार, मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ने किया कि साइड में फुटपाथ बना दिया और वहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती है, तो सारा काम जो अब सड़क पे होता है। तो यार अभी हम पहुँच गए करोल बाग और मैंने गौरव को बोला कि भाई मुझे कुछ सैंपल दिखा के रखना, क्या लगे भाई। सो ये है गौरव और पीछे खड़ा है इसका भाई सौरभ। अब दीज टू गाइज आर मोस्ट हैंडसम हंस ऑफ करोल बाग। ये दोनों भाई मिलके दिखने में छोटी सी दुकान चलाते हैं जो कि बहुत गहरी है और कोई भी काम गौरव के लिए ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो। मैं कार एक्सेसरीज की बात कर रहा हूँ। निकाल दिए सैंपल पहले से आपको, ये है क्या? हाँ। तो यार भाई देखो भैया कौन सा सैंपल तुम्हें ठीक लग रहा है, मैंने सिर्फ ब्लैक मंगाया। यार रेड स्टिचिंग वाला मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, कौन सा ठीक लग रहा है मुझे ना, इसकी इसकी लाइनिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है वाली एज कम्पेयर टू दिस। ये प्लेन लग रहा है, ये लाइनिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है, तू बता। ये ज़्यादा बेटर लग रहा है लेकिन ये बेस्ट। तो यार ये हमारी शॉप हरिओम ऑटो एक्सेसरीज और ये तो ब्लैक लगे ठीक लगेगा ना? बिल्कुल प्लेन ब्लैक सबसे बेस्ट रहेगा भैया, बेस्ट रहेगा, सिंपल सोवर डिसेंट भी लगेगा। तो ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया ब्लैक का, ये वाला पीस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मतलब अपन लोगों को ना ज़्यादा वो तिकड़म विकड़म नहीं चाहिए, प्योर ब्लैक चाहिए ताकि अंदर का इंटीरियर ना बिल्कुल ब्लैक लगे। ये पकड़ो भाई साहब, अब बताओ कैसा लग रहा है आप? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बाकी लगने के बाद दूंगा। हाँ बाकी लगने के बाद पता लगेगा। तो यार इसको फटाफट से लगवाते हैं गाड़ी। देखो मैंने आपको अलॉय व्हील्स अभी मैंने आपको डिस्क्राइब नहीं किया, जब ये सब कुछ लग जाएगा ना फिर घर पहुँच के आपको पूरा ओवरव्यू दिखाऊंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। और ये शोर जो है ना करोल बाग का, ये तो बंद नहीं होने वाला। यार फाइनली हमारी गाड़ी का काम हो गया पूरा, मतलब अंदर सीट्स भी लग गई हैं और इसके व्हील्स भी लग गए हैं, लेकिन इसको आपको ऐसे नहीं दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा घर जाके। बट अब
बट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी द काइंड ऑफ फिटिंग जिस भी तरह काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ, बहुत सेटिस्फेक्ट्री हुआ। और एक और मॉड कराया है हमने आगे जो है LED भी फिट कराया है, वो मैं आपको जाके परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कैसी परफॉर्मेंस है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप यू ऑल आर ऑल्सो एक्साइटेड टू सी दिस, सो लेट्स सी दिस। सो आई थिंक आप लोगों ने बी रोल को इन्जॉय किया होगा। हम लोगों ने फिट कराए हैं इसमें थार के व्हील्स, मतलब जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ दीज आर यू नो थार के ऑथेंटिक ओरिजिनल व्हील्स। और इस टायर का जो साइज़ है वो है 265/60R18, बहुत ही बढ़िया लगते हैं टायर। खैर ये बात मैं आपको अपने स्कॉर्पियो पर जब मैंने टायर लगाए थे मैंने आपको बता चुका हूँ, बट हाँ मेरा एक प्रोजेक्ट था कि इस वाली स्कॉर्पियो पे भी हमें ये वाले थार के जो अलॉयज हैं वो इंस्टॉल कराने हैं और वो प्रोजेक्ट हो गया पूरा। और इसके बाद यार ये जो सीट कवर्स है ना, मैंने आपको पहले दिखाया था ऑरेंज कलर के सीट कवर्स और अब लगे हैं पूरा ब्लैक, सो इट इज़ ऑल ब्लैक नाउ, इट इज़ ऑल ब्लैक। यहाँ ऑब्वियसली डोर का हम कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ ये वाला जो हमने कुछ एलिमेंट जो है ये ब्लैक करवाया। और बाकी आप लोग बताओ यार, मतलब ये ब्लैक कलर का देख के कैसा लग रहा है? आई थिंक ब्लैक ना थोड़ा सा डोप कलर है और ब्लैक गाड़ी के ऊपर ब्लैक कलर के सीट कवर्स हमेशा ही अच्छे लगते हैं। सो दिस यू नो ओवरऑल स्टांस हैज़ बीन चेंज्ड फॉर द कार। और एक और मॉड है जो हमने कराया है वो है एन यू नो फॉग वाली जो लाइट्स है ना, इसमें भी हमने LED फिक्स करा दिया। सो दोनों लाइट्स में हमने लगा दिया LED। पहले येलो लाइट थी तो येलो लाइट और ऊपर की वाइट लाइट ना थोड़ा सा मिसमैच था, बट अभी ये सब चीज़ें हो गई हैं पूरी। और मतलब खुद चेकआउट करो यार, मतलब कैसा ओवरऑल स्ट्रेंथ कैसा आ रहा है। तो जैसे मेरी वाली स्कॉर्पियो है बिल्कुल वैसी स्कॉर्पियो लग रही है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि देखो दिस इज़ माई स्कॉर्पियो एंड बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, सेम थार वाले इसमें भी व्हील्स लगे हैं। एंड इसकी जो सीट्स हैं वो भी ब्लैक है, मतलब अभी मेरे पास आई डोंट हैव की तो इसमें मैं ओपन करके नहीं दिखा सकता, बट यू नो दिस कार एंड दिस बीस्ट दे आर ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल नाउ। सो यार मतलब ये था पूरे दिन का प्रोजेक्ट, बहुत टायरिंग था। सुबह हम लोग निकले थे 10:30 बजे और अभी जो है वो टाइम हो रहा है 6:10। सोचने को तो बड़ा छोटा काम है बट ये बहुत बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में ना, अभी क्योंकि ये सारा काम हो गया। और एंड आई होप आनंद इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो एक बार इसका व्यू लेते हैं और देन विल कम टू नो कि कैसा है, मतलब हाउ सेटिस्फाइड ही इज़ इतनी दूर से आके इसने काम कराया, देन यू नो हाउ इज़ द ओवरऑल फील। सो क्या नॉर्मल फीडबैक क्या है, मतलब एक तेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, बिकॉज सीट कवर्स तो बहुत पुराने टाइप के थे एंड ये व्हील्स भी नहीं थे राइट, और बस हमने LED भी लगाया। सो व्हाट इज योर ओवरऑल फील अबाउट इट? मतलब काफ़ी टाइम से मन था व्हील चेंज करवाने का इसके, आपकी देख ही रहे थे हम लोग स्कॉर्पियो, तो आज हो गया फाइनली इसका और मेक ओवर। यस बाकी अंदर से तो एकदम अंदर से अच्छी लग रही है, बिल्कुल एकदम बॉम्ब हो गया, मज़ा आ रहा अंदर से। चलो बॉम्ब हो गई और बाकी मैं आप लोगों को दिखा ही चुका हूँ यार, मतलब ये ना देखो थोड़ा सा कुछ चेंज कराते हैं ना तो आपकी गाड़ी का ओवरऑल स्टांस चेंज हो जाता है और आपको दोबारा अपनी गाड़ी से फिर से उतना ही प्यार हो जाता है। तो आई होप यू आर सेटिस्फाइड। यस गोड़ी यार ये प्रोजेक्ट, थैंक्स तो यार ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो गया एंड वी एंजॉयड अ लॉट। आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड दिस व्लॉग। सो इफ यू एंजॉयड दिस व्लॉग डू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक करना मेरे इस वीडियो को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको थार के व्हील लगाने हैं जहाँ मर्जी चले जाओ, और अगर सीट कवर्स लगाने देन यू कैन गो टू करोल बाग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, आई लव यू ऑल, पीस आउट।